नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कोशिश कीजिए बताने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 37। चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग कुछ आपको बताते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग चार में किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है नीति निर्देशक की चर्चा। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही 10 मौलिक कर्तव्य, जो कि आपको अनुच्छेद 51 के क में है, के अंतर्गत जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 दिन। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में इसका चर्चा है, अनुच्छेद 110 के एक में। और धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 54 में इसका चर्चा किया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है वह होते हैं राष्ट्रपति जोन होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वह देश का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रधान होते हैं देश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। 93 क्या कहता है? तो 93 कहता है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिट जारी किए जाते हैं इसका आप लोग को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों का आयोजन। ग्राम पंचायतों का आयोजन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का आयोजन अनुच्छेद 40 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग दो। तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में चर्चा किया गया है नागरिकता का। चलिए, भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संशोधन 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के बीमर गणतंत्र से। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। आयरिश से क्या लिया गया है? तो आयरिश से आपको लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और एक चीज़ लिया गया है तो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? तो आपको लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आपको समवर्ति सूची लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? इसका राइट आंसर बता रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आप लोगों को ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में इसकी चर्चा है, समानता के अधिकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 280। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए करते हैं? 5 वर्ष के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये था
संविधान से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।